वैद्यश्री आर्मेगा रेसिपी वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष का संतुलन बनाए रखने के लिए टोमेटो का सूप दिखाने जा रही हूँ। टोमेटो सूप बनाने के लिए हमें लगेंगे 2 टोमेटो, सूखा नारियल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, घी, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, दालचीनी, गुड़ और स्वादानुसार नमक, पानी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, मैं गैस ऑन कर रही हूँ। अब इस बर्तन में मैं 4 कप पानी ले रही हूँ। इस पानी में हम वो टमाटर पकाने के लिए रख देंगे, जब तक उसका छिलका आराम से ना निकले तब तक हम उसको ढककर पकाएंगे। ये टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ, अब इसको हम कवर कर देंगे और पकाएंगे। जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ, जिसमें हम डालेंगे सूखा नारियल, लहसुन की कलियां, अदरक, हरी मिर्च, और धनिया और 1/2 कप पानी। देख सकते हैं ये पेस्ट बन के तैयार है। देखिए टमाटर अब पक गए हैं, इनका पानी निकाल कर हम साइड में करेंगे और टमाटर ठंडे करने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं इसका छिलका आराम से निकल रहा है। मैंने टमाटर का छिलका निकाला है, अब ये टमाटर हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और ये जो पानी है ये पानी भी हम अब इसमें डाल देंगे। अब इसकी प्यूरी बन चुकी है। मैंने एक बर्तन लिया है, उसको मैंने गरम किया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी ले रही हूँ। घी गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इस पे डालूंगी कड़ी पत्ता, और हमने जो पेस्ट किया हुआ था वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला हमने अच्छे से पका लिया है, अब इसमें हम ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पकाना है, सब इसमें उबाल ना आ जाए। अब इसमें हम दालचीनी डाल देंगे और गुड़ डाल देंगे और स्वादानुसार नमक। सूप में अब उबाल आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पे हम कवर कर देंगे। अब ये सूप बन चुका है। और ये गरम गरम सूप तैयार है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।